सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ कार्य जरूरी माने गए हैं। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि ग्रहण के बाद कौन कौन सा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोक्ष पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट पाए। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को पड़ चुका है। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:29 से शुरू हुआ था जो कि शाम 6:32 तक रहा। ऐसे में सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4:03 की बताई गई। भारत में सूर्य ग्रहण शाम 4:22 से 5:27 तक देखा गया। वहीं आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद क्या क्या जरूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका असर सभी जातकों पर पड़ता है। ग्रहण खत्म होने के बाद तुरंत ही स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही घर को शुद्ध करना चाहिए। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके दान करना चाहिए। दरअसल ग्रहण के बाद दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, साथ ही सभी देवी देवताओं की प्रतिमा पर गंगा जल छिड़कें। इसके अलावा घर के अन्य हिस्सों को भी गंगा जल से शुद्ध जरूर करें। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके तुलसी के पौधे को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे में ग्रहण समाप्ति के बाद गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की नकारात्मकता से बचने के लिए इसके तुरंत बाद ही स्नान जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार ग्रहण की समाप्ति के बाद तिल और चने का दान करना बेहद ही ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सूर्य ग्रहण के बाद घर में झाड़ू पोछा जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ग्रहण खत्म होने के बाद देवी देवताओं का दर्शन करना शुभ होता है। ऐसे में ग्रहण के बाद ऐसा करना चाहिए। तो ये उपाय आपको ग्रहण के बाद जरूर करने चाहिए। ये 8 उपाय या फिर ये 8 खास बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं करनी। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए तुरंत अपने चैनल मोक्ष को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी जानकारी ना छूट पाए।